आपको खबर दें कि ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में शिरकत का मामला है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली अजलास में शिरकत का मामला, इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहिल सैयद, बताइएगा। मुनीर, कल जो कौमी असम्बली का इजलास है जिसमें शहबाज शरीफ को बतौर अपोजिशन शिरकत करने के लिए स्पीकर हैं, कौमी असम्बली उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया था। हम कल शहबाज शरीफ को जो एहतसाब अदालत में पेश करना है क्योंकि उनको नैब ने उनका मजीद जो जिस्मानी रिमांड भी लेना है। गो के 30 अक्टूबर को शहबाज शरीफ को पेश किया जाना था एहतसाब अदालत में, लेकिन 30 अक्टूबर को चौंकि दादा गंज बस्ती में उसके हवाले से जो है आम तातीर है जिस पर कल उन्हें एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है चूँकि कल 9 बजे या 8:30 बजे उन्हें एहतसाब अदालत पेश करना है, तो उसके बाद 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना है। तो उनको जागरूक की शिकायत यकीनी बनाने के लिए नैब ने मनसूबा ये बनाया है कि खसूसी तैयारी की कोशिश की जा रही है कि अगर खसूसी तैयारा मिल जाए तो उसके जरिए शहबाज शरीफ को जो है इस्लामाबाद लेकर जाया जाए, क्योंकि जो नैब है वो पी आई की परवाह से लेकर जाते हैं। पी आई की कल एक ही परवाह है जो सुबह 9 बजे जो इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी, इसलिए नैब इस कोशिश में है कि खसूसी तैयारा मिल जाए ताकि शहबाज शरीफ को 4 बजे कौमी असम्बली में जो उनकी शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। और कल ही कहा यह भी जा रहा है कि इम्कान है कि उनको वापस ले आया जाएगा इस कौमी असम्बली में शिरकत करने के बाद। तहम जायका कहना यह भी है कि अगर कौमी खसूसी तैयारी का बंदोबस्त नहीं होता तो एहतसाब अदालत में पेशी के बाद जो भी दस्तियाब फ्लाइट होगी पहली उससे शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद।